अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। आज हमारे पास है जी HP का लेज़र जेट P1102। इसमें प्रॉब्लम है जी पेपर पिकअप की, पेपर पिक नहीं कर रहा। तो आज हम इसको करेंगे जी बिना खोले, इसको रिपेयर पूरा ओपन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलें वीडियो में देखते हैं। पहले इसका देख लें टेस्ट पेज क्या प्रॉब्लम है। पेपर लोड कह रहा है, लोड पेपर, लोड ट्रे। मेन प्रॉब्लम जो है वो यही है कि डुप्लीकेट प्रिंटर यूज़ कर टोनर यूज़ करने की वजह से उसमें जो वेस्ट है वो ज़्यादा निकलती है, जिसकी वजह से वो जितने भी वो कार्बन है वो सब उसके ऊपर रबर के ऊपर गिरती है, तो इसलिए वो पिकअप रूलर जो है जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें कि ओरिजिनल टोनर यूज़ करें, तो उससे ये आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्लीन करने के बाद अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। मैं अभी फ़िलहाल रबड़ को क्लीन करके, वाटर के साथ क्लीन करके अच्छी तरह, तो वही यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास न्यू है तो रिप्लेस कर दें, नहीं तो आप इसको क्लीन करके एक दो बार वो भी चल जाता है। तो क्लीन हो करने के बाद अभी इसको जी हमारा रोलर रेडी है जी, बिल्कुल न्यू हो गया क्लीन करने से। ठीक है, तो अभी इंस्टॉल इसको कैसे करना है। पहले ये वाले जो क्लिप है नीचे बड़ा वाला क्लिप, इसको पहले लगाएंगे फिर बाद में ऊपर क्लिक करें। पहले नीचे से दोनों तरफ से नीचे बैठ गया, तो अभी बस ऐसे प्रेस करेंगे, ये टिक करके लॉक हो गया या आपका इंस्टॉल हो गया।
इसको भी एक दफ़ा क्लीन कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम यही है ड्रम की वजह से जो है वेस्ट ज़्यादा निकल रही है, जो सीधी जो है रबड़ के ऊपर गिर रही है, तो जिसकी वजह से वो पिकअप रोलर ख़राब हो रहा बार बार। तो चलें इंस्टॉल करके देखते हैं, इंशाल्लाह हो गया कंप्लीट। फ्रेंड हमारा पेपर पिकअप का जो मसला था वो हल हो गया है। अभी ये ड्रम का थोड़ा प्रॉब्लम है, ड्रम दोबारा से क्लीन करके लगाना पड़ेगा या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। बाकी जो पेपर पिकअप का मसला था वो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, पेपर एकदम पिक कर रहा है।